स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। सबसे पहले मैं आपको नमस्कार फैला दोस्तों, मैं उत्तराखंड के ऐसीवादी में छड़ाते गांव से दानिश मेहता। दोस्तों आज के ब्लॉग में मैं मंदिर जाने वाला हूं। तो हमारे गांव में बहुत सारी देवी देवताओं का मंदिर है जो कि सभी लोगों के हैं। तो आज मैं जाने वाला हूं ऊपर वाले टॉप में। तो आगे है मेरे गाय और गाय भी ले जा रहा हूं मैं आज। तो गाय को मैं वहां भगा दूंगा, उसके बाद वहां भगाने के बाद सीधे मंदिर पर जाऊंगा। तो मैं सारी चीज़ आगे बता रहूंगा। तो फटाफट से एक बार चलते हैं और बाकी एक बार उनको भगाते हैं फटाफट से उधर, फिर चलते हैं मंदिर में। फिर आपके सारी तो ये दो बच्चियाँ आपको दिख रहे होंगे, आपको ये आजकल ही जंगल लगाए हैं तो इनको नज़दीकी छोड़ दूंगा। बाकी जो बड़े वाले हैं इनको ऊपर वहीं ले जाऊंगा। तो इन्होंने पी लिया है पानी वानी, तो इन दोनों को तो मैं नज़दीकी छोड़ दूंगा जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे। तो इनको ऊपर ले जाऊंगा और यहाँ से पिया इन्होंने पानी, तो फटाफट से एक बार इनको ले जाता हूँ ऊपर और लीड भी आए। मैंने छोड़ देते वहीं, अभी आ चुका हूँ मैं मंदिर में। तो यहाँ पर अभी देख सकते हो सभी लोग अपना पोगो खाली कर रहे हैं। पोगो मतलब होता है दोस्तों जो घर से ले आते हैं तेल वेल चावल आटा दाल वाल सब कुछ यहाँ पर खाली कर रहे हैं। तो मैंने अब तो अपना खाली कर लिया है। बाकी देख रहे हैं अभी लोग आ ही रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ से ये है मंदिर वाला एरिया पूरा, और आगे ग्राउंड में वहाँ बनेगा खाना वाना। तो यहाँ से आप देख सकते हो हमारे गाँव का कितना मस्त नज़ारा दिखता है। सामने ये हमारा गाँव देख सकते हो, नीचे पाँख वाला एरिया आ गया, और सामने देख सकते हो आप पूरा बेड़ महर और किमखेत भी दिख रहा है यहाँ से। तो बहुत ही बढ़िया मौसम हुआ है, अभी सुबह तो बारिश लगने वाली थी, अभी तो बहुत काफ़ी बढ़िया मौसम है अभी। तो फटाफट से एक बार करते हैं काम, जैसा कि भी आप देख रहे होंगे यहाँ पर बहुत बड़ा पेड़ है मंदिर में, और आ रहे हैं दो धीरे धीरे लोग आ रहे हैं यहाँ पे देख सकते हो आप। और यहाँ पे पोहो खा जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर से पीठा लगा रहे हैं, पीठा का मतलब टीका होता है दोस्तों, हम पहाड़ी भाषा में उसको पीठा बोलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी लोग खाली कर रहे हैं। तो अभी ये हैं जो भी चाचा किमखेत के, ये भी पहुँच चुके हैं, और ये बोले चाचा शिमलगढ़ के, ये भी आ चुके हैं, और यह है मंदिर सामने देख सकते हो आप, भी पुजारी हैं जो अंदर जा रहे हैं। तो ये है मंदिर और इस जगह को ईड़ बोलते हैं। तो काफ़ी अच्छी जगह पर है ये मंदिर, और अभी हम लोग यहाँ पास हुए हैं सामने पानी का नल, और अभी हम बनाएंगे यहाँ पर, हम लोग बनाएंगे यहाँ पर लगोड़। लगोड़ हिंदी में उसको पूरी बोलते हैं जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पर हम लोग अभी ये बनाएंगे, और जो हमसे सीनियर हैं ताऊ लोग चाचा लोग, वो लोग खाना बनाएंगे आगे, अभी मैं आपको आगे दिखाऊँगा। तो अभी हम लोग यहाँ पर लगोड़ बनाएंगे सबसे पहले आते ही मंदिर में। तो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा बनाना पड़ता है, इसको यहाँ पे भी खाते हैं हम लोग, और बाकी लास्ट में घर भी ले जाते हैं प्रसाद के रूप में, जैसा कि आप आगे ब्लॉग में देख लोगे। तो जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे ललित भाई और यहाँ हम लोग यहाँ पर साथ मिल के पूरी बनाते हैं। तो दोस्तों पहाड़ी मंदिरों में सभी लोग घर से जाते हैं और यहाँ पर इस प्रकार से मिलजुल के काम करते हैं, और मिलजुल के काम करने के बाद इस प्रकार से दोस्तों देवताओं को पूजा जाता है पहाड़ी मंदिरों में। ये लगभग लगभग पूरे गांव से लोग आए होंगे, जो नहीं आ पाता दोस्तों वो दूसरे के हाथ जो जाता है उसके हाथ पोहो भेज देता है। पोहो मतलब होता है थोड़ा धूप बत्ती आटा वाटा ये चीज़ें भेज देता है जो नहीं आ पाता। बाकी तो लगभग लगभग सारे लोग आए हुए हैं। तो मौसम में भी देखो कितना बढ़िया है लगता है दोस्तों, आज अब धूप आने वाली है विशेष। तो सामने बनाएंगे ताऊ लोग खाना, और यहाँ पर हम बनाएंगे पूरी जैसा कि आप देख रहे होंगे। तो काफ़ी ज़्यादा पूरी बनाना पड़ता है, हमने काफ़ी बना भी ली है पूरियाँ, तो अभी और बना रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग ही बना रहे हैं, हम लोगों ने पूरियाँ नहीं बना रखी थी, तो अमां लोग चाची लोग बैठे थे वो चले गए यहाँ से। तो काफ़ी टाइम पहले से बना रहे थे, तो थक गए होंगे तो अब चले गए यहाँ से आगे। तो अभी हम लोग बना रहे हैं, तो देख तो वहाँ पे एक थैली भर गया है, बाकी एक डोका और भर गया है, और एक डोका भी भरने वाला है, अभी थोड़े और बनाने हैं। तो आज हम यहीं पर पूरी बनाएंगे, और देख सकते हो आप यहाँ पर बुलचा और खुलचा है, तो ये भी पूरी डालने हैं, और बुलचा भी पूरी बना रहे हैं। तो सब बारी बारी से सब करते हैं, जो थकता है तो उसके बदले दूसरा आ जाता है, जैसा कि अभी आपने देखा ही होगा। तो कुछ टाइम पहले दिल्ली भाई बना रहे थे, अभी ये बना रहे हैं। और तो यहाँ पर देख सकते हो अभी बुबू लोग झनकरा छान रहे हैं। तो दोस्तों झनकरा पहाड़ी सब्जी होता है और पहाड़ी घास की तरह होता है, और इसकी सब्जी खाते हैं। तो ये खेतों में मिलता है यहीं, तो यहीं से लाए होंगे ये बीन के। और अभी यहाँ पर इनके टहनी जैसे होते हैं मोटे, उनको तोड़ के पत्ती पत्ती जैसे छान लें, उसके बाद इसको भी बनाएंगे हम लोग, और वहाँ पर बन रहा खाना वाना देख सकते हो आप। तो यहाँ पर दाल बन चुका हमारा, और दाल नीचे उतार दिया है, दाल उतार के एक पतीले में तो भात बन चुका है, और दूसरे पतीले में अभी बन रहा है भात। तो देख सकते सामने इस प्रकार से दोस्तों बुबू लोग चावल बना रहे हैं यहाँ पर ताऊ लोग, और सभी मिलजुल के इस प्रकार से दोस्तों पहाड़ी मंदिर में काम करते हैं, जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे।
अब हम लोग बना रहे हैं यहाँ पर झनकरा। तो पहले थोड़ा लाल मिर्ची को भून लेते हैं तेल में। तो भुने हुए मिर्ची भी बहुत अच्छे लगते हैं दोस्तों, बहुत सारे लोग खाते हैं। तो अभी डाल दिया इसमें हमने झनकरा, तो अभी झनकरा बनाएंगे हम लोग। तो झनकरा बना रहा है परू और देखते हैं कैसा बनता है दोस्तों। ये पहली बार, मैं तो पहली बार बना रहा हूँ। हम लोग जिन लोग तो बनाते हैं, लेकिन मैं तो पहली बार बना रहा हूँ मंदिर में। घर पर भी भाभी लोग बनाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से लकड़ी से ये पलट रहे हैं इसको। तो ऐसी गाच हुआ दोस्तों, ये ऐसी है और अभी ऐसी ही रखते हैं हम लोग। बन चुका हमारा झनकरा, जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे मिर्ची भी दिख रहे हैं और झनकरा देख सकते हो कितना ज़्यादा था पहले और अभी कितना कम हो चुका है। तो देख सकते हो दोस्तों काफ़ी टेस्टी होता है ये सब्जी। और दोस्तों जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे, तो इसको अभी चेक करेंगे पर लोग। और ये देख सकते हो, ये अभी रोहित चेक कर रहा है, पहले खा रहा है ये। तो वैसे तो पहले खाते नहीं मंदिर में, लेकिन ये पहले खा रहा है जैसे कि देख रहे हैं। और दोस्तों ये दाल बन चुका है और उसमें है झनकरा और दो पतीली में बन चुका है चावल और एक तो इसमें है दाल, जैसा कि भी आप देख रहे होंगे ये घर का दाल होगा। और ऊपर जो ऊपर रखी है छोटी वाली पतीला, उसमें हलवा था। और जैसा कि भी आप देख रहे होंगे यहाँ पर आरती होनी शुरू हो चुकी है। आरती के बाद उसको अशीक मिलेगा, अशीक के बाद उसको लोग मुखियाव करेंगे। मुखियाव का मल होता है दोस्तों, जो पहले हलवा पूरी और खीर और जो भी केला वेला जो भी चीज़ें होती है दी जाती है, तो उसको मुखियाव बोलते हैं। तो अशीक रखने के बाद पहले वही खाया जाता है, जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख रहे होंगे सभी लोग। वो मिल चुका है, वो नीचे भी मिल चुका है और यहाँ पर मेरे को भी मिल चुका है। और देख सकते हो मेरे हाथ में दोस्तों ये हलवा और खीर और पूरी है। तो अब मैं इसके बाद से खाना ही खाऊंगा, जैसा कि आगे आप ब्लॉग में देख लोगे। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, जो चावल बना हुआ है घर के चावलों का बना हुआ है भात, और दाल भी घर का होगा। तो देख सकते हो यहाँ पर कितना बढ़िया तरीके से बना हुआ है। और दोस्तों खाने में भी काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट होता है मंदिर का खाना। तो लोग अभी खा ही रहे हैं और मैं भी बैठ चुका हूँ। तो दोस्तों अभी देख सकते हो यहाँ पर भी मैं झनकरा और मंगाता हूँ। तो अभी मेरे लिए झनकरा भी आ चुका है और चीज़ तो और भी मिल जाएगा। झनकरा बहुत है झनकरा, और अभी घी मिल चुका है मेरे को। घी भी दोस्तों दो तीन बार मिल जाता है यहाँ पर मंदिर में। तो अब खाता हूँ घी दाल और झनकरा के साथ खाना। और सभी लोग खा रहे हैं देख सकते हो यहाँ पर। इस प्रकार दोस्तों नीचे बैठ के खाया जाता है हमारे पहाड़ी मंदिर में। तो लेते हैं आते हैं मज़े के साथ खाना, पहाड़ी भात और दाल और झनकरा और घी के साथ। मैंने खा लिया है खाना और सभी लोगों ने लगभग खाना खा लिया है। अब जो चावल बचा हुआ है वो थोड़ा थोड़ा सभी घर ले जाएंगे, जैसे कि आप देख रहे होंगे दोस्तों। मंदिर में बचा हुआ भात सभी लोग अपने थोड़ा घर ले जाते हैं। और ये बच्चे लोग देख सकते हो आप यहाँ पे। और अभी सभी लोगों ने तो चावल ले लिया है, चावल दाल वाल और बर्तन भी सारे धो दिए हैं। तो अब लेंगे यहाँ पर पूरी। मैंने पहले बताया था आपको, जो पूरी लास्ट में घर ले जाते प्रसाद के रूप में। तो अभी ले जा रहे हैं यहाँ पर देख सकते हो आप, खीर और हलवा और पूरी और अशीक सबको ले जाते हैं यहाँ से। तो अभी सभी लोग ले जाएंगे और सभी लोगों को बराबर दिया जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे। हो गई है पूजा खत्म, जैसा कि भी आप देख रहे होंगे। अब सभी लोग घर जा रहे हैं, तो अब मैं भी घर जाऊंगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ब्लॉग बहुत ही बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट जरूर करना। तो अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। अभी दोस्तों हमारे गाँव में और भी बहुत सारे मंदिर है जहाँ पर पूजा होना बाकी है।